नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बट्स की और बेली फैट को रिड्यूस करने की एक्सरसाइज बताऊंगा। ये सभी एक्सरसाइज आप लोगों के एब्स को निखारेंगी, आप लोगों के एब्स को टोंड बनाएंगी और आप लोगों को देंगी एक स्लिम फिट फिगर। तो अगर आप लोग सुबह उठकर ये सभी एक्सरसाइज करते हैं तो आप लोगों के बट्स जो है वो टोंड बनेंगे और आप लोगों के जो एब्स हैं वो निखर कर बाहर की ओर दिखने लगेंगे और आप लोग जो हैं हेल्दी एंड फिट जो है वो नज़र आएंगे। तो ये सभी वर्कआउट्स जो हैं वो 40 सेकंड्स के हैं और इन सभी वर्कआउट्स की जो खासियत है वो ये है कि ये सभी वर्कआउट्स जो हैं आप लोगों के बट्स और बैली फैट को रिड्यूस करेंगे, उन्हें टोंड बनाएंगे, मसल्स को मजबूत करेंगे, मसल्स मास को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है आप लोगों की क्रॉस ओवर टॉई टचेस। इसमें आप लोगों को क्या करना है, ये 40 सेकंड का ड्यूरेशन है और काउंटर भी आप लोगों के राइट साइड में चला हुआ है, उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। टारगेट मसल्स होंगी इसकी रेक्टस एब्डोमिन और थाई मसल्स, जो आप लोगों की हैमस्ट्रिंग मसल्स होती हैं उनके लिए। इसमें आप लोगों को बस सीधा खड़ा हो जाना है, दोनों पैरों के बीच में गैप रखना है और अब जो है आप लोगों को नीचे झुकना है। और क्रॉस ओवर का मतलब है जो पैर है उसकी जो अंगुलियाँ हैं और हाथों की जो हाथ राइट हैंड है वो लेग जो है वो लेफ्ट हैंड को टच करेगा, उनकी टॉयज को टच करेगा। बस इतना सा आप लोगों को करना है। अब 40 सेकंड के कंप्लीट होने के बाद आप लोग रेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि हर एक एक्सरसाइज के बाद में आप लोगों को रेस्ट जरूर करना चाहिए। और रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, डांसिंग एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों को जो पेट है उसको स्क्वीज करना है अंदर की ओर, ठीक है। तो इसे हम लोग बोलेंगे डांसिंग क्रंच एक्सरसाइज। ड्यूरेशन 40 सेकंड का ही रहेगा। टारगेट मसल्स रेक्टस एब्डोमिन रहेगी और इसमें क्या है, इसमें आप लोगों को सांस अंदर की ओर खींचना है फिर बाहर की ओर निकालना है, सांस अंदर की ओर खींचना है फिर बाहर की ओर निकालना है। तो ये आप लोग जो है कर सकते हैं और इस प्रकार की एक्सरसाइज करने से आप लोग जो योगा एक्सरसाइज जिसे हम लोग कपालभाति कहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। सिमिलर जो है आप लोगों के लिए रहेगी, लेकिन इसमें आप लोगों को बहुत अधिक फायदा भी मिलेगा। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग जो है नेक्स्ट वर्कआउट जो है वो कर सकते हैं और उससे पहले आप लोग जो है 10 सेकंड का रेस्ट ले लें, आराम कर लें थोड़ा सा। अब हम लोग करते हैं थर्ड एक्सरसाइज, साइड प्लैंक रोटेशन, और ड्यूरेशन 40 सेकंड का ही रहेगा। टारगेट मसल्स आप लोगों की रेक्टस एब्डोमिन रहेगी, एक्सटर्नल ऑब्लिक्स भी रहेंगी। इसमें आप लोगों की जो साइड की चर्बी है वो जल्दी ही खत्म होगी और आप लोग जो है एक टर्न जो है वो महसूस करेंगे, अपने फिगर को एक शेप महसूस करेंगे। तो ये एक जैसे कि हम लोग रशियन ट्विस्ट करते हैं वैसी एक एक्सरसाइज है और उसका इस्तेमाल आप लोग कर सकते हैं। साइड प्लैंक रोटेशन में आप लोगों को क्या करना है, साइड प्लैंक की पोजिशन में आना है और अपना एक हाथ जो है वो एकदम सीधा करना है, जैसे कि टी बनाना है। और टी बनाते हुए आप लोगों के हाथ जो ऊपर है उसको जो है दूसरे हाथ के नीचे की ओर से लेकर जाना है, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग जो है वो 10 सेकंड का रेस्ट ले लें, आराम कर लें। और आराम करने से आप लोगों की मसल्स जो है उन्हें रिलैक्सेशन महसूस होता है, उन्हें आराम मिलता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हिप रॉक्स एक्सरसाइज, और इस एक्सरसाइज का जो ड्यूरेशन है वो है 40 सेकंड्स का ही। टारगेट मसल्स रहेंगी एक्सटर्नल ऑब्लिक्स, थाई मसल्स और ग्लूट मसल्स। इसको आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। इसमें आप लोग देखिए कि एक पैर जो है उसका जो तलवा है या हम लोग कहें वो फिक्स है और सिर्फ थोड़ा सा ही मूवमेंट है, और दूसरे पैर का जो पंजा है वो आप लोगों का टिका रहेगा, एड़ियां नहीं टिकी रहेंगी। अब उसको आप लोगों को टर्न करना है, अपने हिप्स को आगे की ओर लेकर आना है। तो ये आप लोगों के एक प्रकार की डांसिंग एक्सरसाइज है। इससे आप लोग जो हैं अपनी कमर को भी एक मूव देती हैं, अपने ग्लूट्स को भी एक मूव देती हैं। तो ये भी आप लोग कर सकते हैं 40 सेकंड्स के लिए। अब आप लोगों के लिए रेस्ट टाइम आ चुका है, रेस्ट कर सकते हैं। और रेस्ट करने के बाद आप लोग चलेंगे दूसरी एक्सरसाइज की ओर। तो रेस्टिंग टाइम है, आराम कर लीजिए। नेक्स्ट मूव है आप लोगों के लिए एक्सरसाइज रिवर्स प्लैंक डिप। रिवर्स प्लैंक डिप में आप लोगों को क्या करना है, 40 सेकंड का ड्यूरेशन रहेगा। टारगेट मसल्स रहेंगी रेक्टस एब्डोमिन, यानी कि आप लोगों की बेली फैट रिड्यूस होगा। आर्म मसल आप लोगों की जो बाजुओं की जो चर्बी है वो भी कम हो सकती है, ग्लूट मसल्स भी इसमें हैगा। और ये आप लोगों के पेल्विक पोर्शंस पर ब्लड फ्लो जो है ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने में भी आप लोगों की हेल्प करेगा। तो इसमें आप लोगों को मदद मिलेगी कि आप लोगों का पेल्विक पोर्शन जो है वो अच्छा रहे।
तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, दोनों हाथों को पीछे की ओर लेकर रहना है और एक प्लैंक पोजीशन आप लोगों को बनानी है। अब नीचे की ओर जो है अपने हिप्स को नीचे टच करना है और ऊपर जो है स्क्वीज करना है, मतलब जब आप लोग ऊपर जाएं तो अपना हिप्स जो है वो नीचे की ओर स्क्वीज होना चाहिए। ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग रेस्ट कर सकते हैं और रेस्ट जो है वो 10 सेकंड का है। 10 सेकंड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मूव चलते हैं, एक्सरसाइज है हिप पुल डाउन। हिप पुल डाउन में आप लोगों को क्या करना है, जब आप लोग सांस लें तो अंदर की ओर खींचना अपने पेट को और बाहर की ओर आप लोगों को निकालना है, जैसे कि आप लोग डांसिंग मूव करते हैं। एग्जांपल के लिए सलमान खान, आप लोग उनका मूव कर सकते हैं, तो वो भी एक प्रकार की एक्सरसाइज है हिप पुल डाउन। इसमें आप लोग जो है जैसा कि वीडियो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वैसे आप लोग कर सकते हैं। तो ये टारगेट मसल्स, इसमें रेक्टस एब्डोमिन है, आर्म मसल्स है और ग्लूट मसल्स हैं, तो इनमें भी आप लोगों को मिलती है। पंजों का जो शेप है वो भी आप लोग देखिए कि आप लोगों का एक पंजा पूरा का पूरा नीचे सरफेस पर है और एक पे आप लोगों का जो है एरिया नहीं टिकी हुई है। तो ये कंप्लीट होने के बाद आप लोग रेस्ट कर सकते हैं और रेस्टिंग टाइम जो है वो 10 सेकंड का है, राइट साइड में आप लोगों के चला हुआ है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 7th एक्सरसाइज, जंपिंग जैक्स। ये फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है 40 सेकंड्स के लिए, तो आप लोगों का पसीना निकलना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ओवरऑल बॉडी में कहीं भी कुछ कमी हो तो वो बाहर जो है वो निकल जाए, एज ए टॉक्सिटी आप लोगों की जो है शरीर की वो बाहर निकल जाए। तो जंपिंग जैक्स बहुत अच्छी है और स्कूल में भी बहुत बार की है जंपिंग जैक्स आप लोगों ने, तो एक एक्टिविटी की तरह आप लोग जंपिंग जैक्स को ले सकते हैं। कार्डियो मजबूत रहता है, पूरी बॉडी का जो है ओवरऑल फैट जो है वो रिड्यूस होता है और यही एक्सरसाइज ऐसी है जिसे आप लोग आसानी से घर पर कहीं भी कर सकते हैं। बस कूदना ही होता है, दोनों पैरों को आपस में फैलाना है और अपने पास लेकर आना है। तो ये 40 सेकंड के लिए आप लोगों को करना है, उसके बाद में आप लोगों को फिर से रेस्ट करना है 10 सेकंड का। 10 सेकंड के लिए आप लोग थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं क्योंकि अभी तक तो आप लोग थक गए होंगे। अब आप लोग करते हैं जंपिंग जैक्स में। नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों को करते हैं आप लोगों का रोटेशन, यानी कि प्लैंक रोटेशन आप लोग करते हैं, प्लैंक टंक रोटेशन। तो ये 7th एक्सरसाइज है जिसे आप लोगों को करनी है और सभी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ये 7 कंप्लीट एक्सरसाइज है जो आप लोगों के वेट लॉस को करने में आप लोगों की मदद करेगा और एक बॉडी को एक अच्छी शेप भी देगा, ग्लूट्स को एक अच्छी शेप देगा, आप लोगों की बॉडी को एक अच्छी शेप देगा। तो ये भी जो आप लोग कर सकते हैं अपने वेस्ट को एक फिगर को अच्छा बनाने के लिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के लिए। धन्यवाद।